मॉर्निंग क्लास बच्चों, ये आपकी बुक शब्द संग्रह। इसके पहले वीडियो में हम लोग हमने आपको क्या पढ़ाया था, रिवीजन करवाया था। जो भी आप लोग नर्सरी में पढ़ चुके हैं उसको दोबारा पढ़ाया था, आशा और काशी ज्ञान, ठीक है, उसी को हम पुनः पढ़ेंगे इसमें। और जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। बड़े क्लास में पहुंच गए हैं, अभी तक नर्सरी में थे, अब केजी में पढ़ गए हैं। आप लोग का बढ़ गया हर चीज़, ठीक है ना, सिलेबस भी। तो जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो अभी हम व्यंजनी पढ़ेंगे, काशी ज्ञानसी की रीडिंग करेंगे, ठीक है। जब ये कायदे से आपको याद हो जाएगा तो फिर हम आगे का दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर, नई चीज़ को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पढ़ना। आप लोग अपनी अपनी बुक निकालिए और पढ़िए मेरे साथ साथ, रीडिंग कीजिए बुक की। व्यंजन काशी ज्ञान, ये आपका काशी ज्ञान तक है। तो हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घर, अंगा से कुछ नहीं। का से कबूतर भी होता है, का से कमल भी होता है, खा से खरगोश, खा से खरबूजा, गा से गमला, है ना, घा से घर, अंगा से कुछ नहीं, चा से चरखा, छा से छाता। फिर देखिए, जा से जहाज, झा से झंडा, यहाँ से कुछ नहीं। टा से टमाटर, ठा से ठठीरा, डा से डमरू, ढा से ढक्कन, अड़ा से कुछ नहीं। ता से तरबूज, था से थर्मस, दा से दवा, था से धनुष, ना से नल, पासे पतंग। पासे पतंग के बाद आता है फासे फल, बासे बकरी, भासे भगत, मासे मछली, यासे यज्ञ, रासे रथ, लासे लट्टू, वासे वर्षा, शासे शलजम, पेटा, सासे सतकोर, सासे सपेरा, हासे हल, छासे क्षत्रिय, त्रासे त्रिशूल, ज्ञासे ज्ञानी, शासे श्रमे। तो ये आपका क्या हो गया, कासे ज्ञा तक। अब हम इस बिना पिक्चरों के पढ़ लेते हैं। तो पहले स्वर है। स्वर वे अक्षर होते हैं जो मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये आपको आगे के क्लास में पढ़ेंगे UKG में, ठीक है। तो अभी इसको आप कायदे से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। जब थोड़े आगे क्लास में जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि स्वर वे अक्षर होते हैं जो मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। आ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा से उल्लू, बड़ा से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आ से लक्ष्मी, ठीक। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, अंका से चा से चरखा, छा से छाता, जा से जहाज, झा से झंडा, इया से कुछ नहीं। टा से टमाटर, ठा से ठटेरा, टा से डमरू, ढा से ढक्कन, अड़ा से कुछ नहीं। ता से तरबूज, था से थर्मस, दा से दवात, धा से धनुष, ना से नल, पा से पतंग, फा से फल, वा से बत्तख, घा से भालू, मा से मछली, या से रा से रथ, ला से लट्टू, वा से वर्षा, शा से शलजम, पेटा, सा से षटकोर, सा से सपेरा, आ से हल, छा से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, या से ज्ञानी, शा से श्रमिक। ये आपका कासे ज्ञान तक हो गया। कासे कबूतर, खासे खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, अंगा से कुछ नहीं। चा से चरखा, छा से छाता, जा से जहाज, झा से झंडा, इया से कुछ नहीं। टा से टमाटर, ठा से टटेरा, डा से डमरू, ढा से ढक्कन, अड़ा से कुछ नहीं। ता से तरबूज, था से थर्मस, दा से दवा, था से धनुष, ना से नल, पा से पतंग, फा से फल, बा से बत्तख, भा से भालू, मा से मछली, या से यज्ञ, रा से रथ, ला से लट्टू, वा से वर्षा, शा से शलजम, बेटा, शा से सतकोर, सा से सपेरा, हा से हल, छा से छत्री, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी, श्रा से श्रमिक, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आ से हा और का से ज्ञा आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। इसकी रीडिंग हो गई आपकी बुक की। तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया का से ज्ञा तक। चलिए अब हम आपको दो अक्षर भी समझा ही देते हैं, क्योंकि का से ज्ञा मेरे ख्याल से आप लोग को याद हो गया होगा। तो देखिए, दो अक्षर से शब्द क्या है, देखिए यही है, ये घा है प्लस रा है, और इसी घा और रा को यहाँ मिला दिया तो वर्ण बन गया, दो अन वाले शब्द बन गए, घर। क्या बन गया, घर बन गया, घरा घर, घा और रा मिलाकर यहाँ बन गया शब्द घर। क्या बन गया, घर बन गया। अब देखिए, खा प्लस ता मिलाकर क्या बन गया, खत, खा और ता
अब इसको हम आपको लिख कर समझा दे रहे हैं, देखिए लिख कर अगर हम आपको समझाएंगे तो आपको कायदे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, इसमें देखिए जैसे एक वर्ण आपका ये हो गया का, दूसरा आपका हो गया ला, एक वर्ण का और दूसरा ला, यही दो वर्ण मिलाकर एक शब्द का निर्माण हुआ कल, दो अक्षर से शब्द बना कल, एक वर्ण का और दूसरा वर्ण ला, और इन्हीं दोनों वर्णों को मिलाकर शब्द बन गया आपका कल। अब देखिए जैसे ये ना, एक वर्ण आपका ना मीन्स एक शब्द हो गया ना और दूसरा हो गया ला, और यही दो शब्द मिलाकर बन गया एक, दो वर्ण मिलाकर एक शब्द बन गया नल, दो एक वर्ण ना और दूसरा ला, और इन्हीं दोनों वर्णों को मिलाकर एक शब्द का निर्माण हुआ नल, ठीक है, क्या बन गया नल। देखिए फिर ये देखिए फा, एक वर्ण फा और एक वर्ण ल, और इन्हीं दोनों वर्णों को मिलाकर दो वर्णों के शब्द बन गया फल, किस चीज का निर्माण हुआ फल का, एक शब्द बन गया आपका फल। तो कैसे बना, कल मिलाकर कल, ना लाना मिलाकर नल, वाला मिलाकर फल, ये कितने अक्षर से शब्द निर्माण हुआ, दो वर्णों से बनने वाले शब्दों का निर्माण हुआ, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कायदे से। अब देखिए इसमें पढ़िए घ और अ, घर, ख ता खत, ब सा बस, र था रथ, ज जा जज, फ ल फल, न ल नल, ट ब टब। फिर से पढ़ लीजिए, घर आ घर, ख ता खत, ब सा बस, र था रथ, ज जा जज, फ ल फल, न ल नल, ट ब टब। फिर देख लीजिए, घर आ घर, ख ता खत, ब सा बस, र था रथ, ज जा जज, फल फल, न ल नल, ट ब टब। फिर से देखिए, घर आ घर, ख ता खत, ब सा बस, र था रथ, ज जा जज, फल फल, न ल नल, ट ब टब। ये सब कितने वर्णों से बने हैं, अभी हमने आपको समझाया था, दो वर्ण वाले शब्द हैं, कितने हैं, दो वर्ण वाले ये शब्द हैं, घर आ घर, ख ता खत, ब सा बस, र था रथ, ज ज जज, फल फल, न ल नल, ट ब टब। ये आपका हो गया। अब इसको आपको क्यों हम इतना ही पढ़ा है, क्योंकि पहले इतना आप लोग घर पे कई बार इसको पढ़िएगा मिला मिला के, ठीक है, तो आपको पढ़ने आ जाएगा, इस चित्र के साथ दिया हुआ है, इसको मिला मिला कर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। जब इसको मिला मिला कर आप कायदे से पढ़ेंगे तो पढ़ने आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, रिटर्न वर्क करना है, तो क्लास वर्क और होमवर्क कॉपी आप लोग निकालिए। तो पहले क्लास वर्क कॉपी निकालेंगे, उसके बाद होमवर्क कॉपी आप लोग निकालेंगे, ठीक है। तो पहले क्लास वर्क कॉपी निकालिए, शुरू कीजिए, पहले क्लास वर्क कॉपी निकालिए, फिर होमवर्क कॉपी, ठीक। तो शुरू करते हैं लिखना। चलिए, इसके पहले आप लोगों ने क्या लिखा था, ये आ से आह तक और खाली स्थान लिखा था, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करना है, आज आप लोग लिखेंगे प्रथम अक्षर, पहले जो पहले आप लोगों ने पढ़ लिया है उसको दोबारा पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लिया जाए। प्रथम अक्षर क्या लिखना है, प्रथम अक्षर, ठीक है। तो ये आपको लिखना है प्रथम अक्षर, इसको आप लोग कॉपी में कायदे से लिखिएगा, जैसे हम बता रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आप लोग भी लिखिएगा। अब देखिए ये आप लोगों ने लिख लिया, अब इसको हम फिल करते हैं, ठीक है। तो बड़ा आके पहले क्या आता है बताइए, छोटा आ, तो यहाँ लिखेंगे छोटा आ,
अब देखिए बड़ी के पहले क्या आएगा, तो हम आपको बताए थे कैसे लिखना, पढ़ के लिखना है, तो छोटा आ बड़ा आ छोटी ई, तो बड़ी के पहले आएगी छोटी ई। अब देखिए अब बड़ा के पहले क्या आएगा, तो फिर ऐसे हम पढ़ लेंगे, छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी छोटा ऊ आता है, बड़ा उसे पहले आएगा छोटा ऊ। फिर देखिए ए सीढ़ी के पहले क्या आएगा, तो पढ़ना पड़ेगा हमको ना, आ से अनार आ से आम छोटी से इमली बड़ी से ई छोटा से उल्लू बड़ा उसे ऊन ऋ से ऋषि आता है ए सीढ़ी के पहले। तो ऐसे पढ़ पढ़ के जब हम लिखेंगे तो हमको आ जाएगा। फिर क्या आएगा ओ से उखली के पहले, तो आ से अनार आ से अनार आ से आम छोटी से इमली बड़ी से ई छोटा उसे उल्लू बड़ा उसे ऊन ऋ से ऋषि ए सीढ़ी के बाद ऐसे ऐनक आएगा। क्या आएगा ऐसे ऐनक। फिर आ से कुछ नहीं के पहले क्या आएगा, तो आ से अनार के बाद आ से आम छोटी से इमली के बाद बड़ी से ई छोटा उसे उल्लू के बाद बड़ा उसे ऊन ऋ से ऋषि के बाद ए से एड़ी। फिर ऐसे ऐनक ओ से उखली के बाद आ से औरत, और उसके बाद आएगा अंग से अंगूर। ठीक ये हो गया। जब भी लिखिएगा चाहे प्रथम अक्षर हो चाहे बाद वाला हो, बीच अगर पढ़ पढ़ के लिखेंगे तो आप लोगों को कायदे से लिखने आ जाएगा। आ गया समझ में, तो ये आपका क्लास वर्क कंप्लीट हो गया। देखिए पढ़ पढ़ के लिखिएगा तो आपको आ जाएगा लिखने। ठीक है अब आपको क्या करना है, होमवर्क करना है, तो होमवर्क कॉपी निकालिए। ठीक है होमवर्क कॉपी ओपन कीजिए आप लोग। चलिए अब होमवर्क नोट किया जान लो, तो यहाँ पे होमवर्क लिखेंगे एच डब्ल्यू और लिखेंगे बाद वाला अक्षर, प्रथम अक्षर हो गया, अब लिखेंगे बाद वाला अक्षर लिखो। ठीक बाद वाला अक्षर लिखो, लिखना है इसको भी आप लोग पढ़ पढ़ के ही करेंगे तभी आएगा लिखने, किसके बाद क्या आता है। ठीक ऐसे पढ़ पढ़ के जैसे हमने प्रथम अक्षर लिखा है वैसे आप लोग बाद वाला भी अक्षर ऐसे ही लिखेंगे पढ़ पढ़ कर, तो आपको कायदे से लिखने आ जाएगा। ये आपका होमवर्क हो गया। अब इसको क्या करना है कैसे करना है, आ से अनार के बाद क्या आएगा, आ से आम आता है, आ से अनार आ से आम के बाद क्या आएगा छोटी से इमली, छोटी से इमली के बाद, तो पढ़ लेंगे आ से अनार आ से आम छोटी से इमली बड़ी से ई, ऐसे फिर छोटा से उल्लू के बाद क्या आएगा, तो फिर पढ़ेंगे आ से अनार आ से आम छोटी से इमली बड़ी से ई छोटा से उल्लू बड़ा उसे ऊन, उस ऋ से ऋषि के बाद क्या आएगा, तो फिर पढ़ेंगे आ से अनार आ से आम छोटी से इमली बड़ी से ई छोटा से उल्लू बड़ा उसे ऊन ऋ से ऋषि ऐसे एड़ी। फिर ऐसे अनक के बाद क्या आएगा, तो फिर पढ़ेंगे आ से अनार आ से आम छोटी से इमली बड़ी से ई छोटा से उल्लू बड़ा उसे ऊन ऋ से ऋषि ऐसे एड़ी। ऐसे अनक ओ से उखली, ओ से उखली बाद ओ से औरत आता है, तो उसके बाद क्या आएगा, तो आ से अनार आ से आम छोटी से इमली बड़ी से ई छोटा से उल्लू बड़ा उसे ऊन ऋ से ऋषि ए से ऐसे ऐनक ओ से उखली, ओ से औरत अंग से अंगूर आ से कुछ नहीं। तो जैसे हम बता रहे हैं अगर आप ऐसे लिखेंगे पढ़कर पढ़ के अगर आप लोग लिखेंगे तो आपको सब याद आ जाएगा। ठीक है तो ये आपका होमवर्क और क्लास वर्क दोनों कंप्लीट हो गया। ठीक ये आपका होमवर्क हो गया, देख लीजिए, और ये आपका क्लास वर्क हो गया, दोनों कंप्लीट हो गया। ठीक जो हमने दो अक्षर के शब्द पढ़ाया है वो आपको घर पे क्या करना है, इसको कई बार मिला मिला कर पढ़ना है, घर आ घर ख ता खत बस आ बस रथ आ रथ जज आ जज फल आ फल नल आ नल टप आ टप, इतना यहां से यहां तक खूब मिला मिला कर पढ़िएगा तो आपको पढ़ने आ जाएगा। जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही पढ़िएगा मिला मिला के, तो आप लोगों को कायदे से पढ़ने आ जाएगा। ठीक है तो का से ज्ञा के साथ साथ इसको भी आप लोग पढ़िएगा। ठीक और जो हम बताएं उसको कायदे से ध्यान से लिखिएगा होमवर्क बोल बोल के, तो आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।